विश्व के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल केंद्रीय रिजर्व पुलिस का 83वां स्थापना दिवस का कार्यक्रम जम्मू में बुधवार को महानिदेशक कुलदीप सिंह के डीजे परेड के निरीक्षण करने के साथ शुरू हो गया। परेड में देश के अलग अलग हिस्सों से आए 8 दस्ते हिस्सा ले रहे हैं। जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में 19 मार्च को CRPF का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि केंद्रीय रिजर्व बल की 83वीं महानिदेशक परेड का भव्य आयोजन आप सभी के सहयोग से यहाँ पर किया गया है। इस सुअवसर पर मैं बल के बहादुर जवानों एवं अधिकारियों का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। आज की परेड का प्रदर्शन इस महान बल के मूल्यों के अनुसार अनुशासित, गरिमापूर्ण एवं अविस्मरणीय रहा है। अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले बल के 2340 वीर शहीदों को सहृदय नमन करता हूं और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जैसा कि हमें विदित है, इस महान बल का गठन स्वतंत्रता से भी पूर्व 27 जुलाई 1939 को मध्य प्रदेश के नीमच में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में हुआ था। देश की स्वाधीनता के पश्चात तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्र के नवनिर्माण हेतु इस बल की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए 28 दिसंबर 1949 को इसका नाम परिवर्तित किया और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल इसका नाम रखा गया। बल की समृद्ध विरासत एवं 82 वर्षों से भी अधिक के अतुलनीय शौर्य की स्वर्णिम गाथा समूचे भारतवर्ष के लिए एक अप्रतिम गौरव का विषय है। इस बलों द्वारा सार्वभौमिक रूप से इस तिथि को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी प्रकार 9 अप्रैल 1965 को CRPF की द्वितीय बटालियन की 2 कंपनियों ने गुजरात के रन ऑफ कच्छ में सरदार पोस्ट पर पाकिस्तानी सेना की एक पूरी नियमित इन्फेंट्री ब्रिगेड के हमले का न केवल बहादुरी से मुंहतोड़ जवाब दिया बल्कि उन्हें बुरी तरह पराजित भी किया। तक्का तक्का भी नहीं है।